आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्पेगेटी। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम स्पेगेटी को बॉयल करेंगे। उसके लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। चलें पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। पानी में मैं हसबे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ऑयल। पानी अभी बॉयल नहीं हुआ है। पानी में बॉयल आ गया है। 1 पैकेट स्पेगेटी ले ली है मैंने। इसका वज़न 450 ग्राम है। इसे मैं पानी में डाल दूँगी। जैसे ही अंदर से स्पेगेटी सॉफ्ट होगी, सारी स्पेगेटी अंदर चली जाएगी। अब इसे 8 से 10 मिनट बॉयल करूँगी मैं। स्पेगेटी को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं और इसे स्ट्रेनर में डाल दूँगी। स्पेगेटी पे मैं थोड़ा ठंडा पानी डालूँगी ताकि इसकी कुकिंग यहीं रुक जाए। दो से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी ताकि स्पेगेटी आपस में चिपक ना जाए। अब मैं चिकन और वेजिटेबल को पका लूंगी। उसके लिए 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। चार अदद लहसुन के जवे लिए थे, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये मैं तेल में डाल दूंगी। एक मिनट के लिए लहसुन फ्राई किया है मैंने। अब इसमें मैंने चिकन डाल दे रही हूँ। 300 ग्राम चिकन लिए मैंने। इसे छोटे पीस में काट लिया है। चिकन को कुक करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ मैं और इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट पकाऊंगी। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें हसबे ज़रूरत नमक डालूंगी। थ्री टेबल स्पून सोया सॉस, 4 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1/2 कप चॉप की हुई गाजर ले ली है मैंने, ये डाल दूंगी। दो मिनट पकाऊंगी इसे। इसमें मैंने 1/2 कप शिमला मिर्च डाल दी है। 1 मिनट हो गया है शिमला मिर्च को पकते हुए। अब मैं इसमें टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने 1/2 kg टमाटर लिया था। इसे बॉयल करके स्किन उतार ली थी और फिर ग्लेंड कर लिया है और 1 कप भर के मैंने टमाटर पेस्ट ले लिया है। पाँच से 6 टेबल स्पून टमाटो केचप है, ये भी डालूंगी। सारी सॉस को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इस पॉइंट पे आप नमक और सॉस को टेस्ट कर लें। कोई चीज़ कम है तो उसे ऐड कर दें। मैंने टेस्ट किया है,
सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, इसलिए मैं अब इसमें कुछ नहीं डालूंगी। दो से तीन मिनट सॉस को पका लिया है मैंने, अब इसमें स्पेगेटी डाल दूंगी जो हमने बॉईल करके रखी थी। मिक्स करूंगी। सारी सॉस को स्पेगेटी को अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्लेम ऑन है अभी हमारी, मीडियम लो पे रखा हुआ है मैंने फ्लेम को। स्पेगेटी और सॉस को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी। दम वाली आंच पे हमें रखना है 5 मिनट के लिए। दम वाली आंच पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, स्पेगेटी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने ग्रीन प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है उसे मैंने रख लिया था, मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, तकरीबन 1/2 कप। चलें अब हम स्पेगेटी को सर्व करते हैं। चिकन स्पेगेटी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।